भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले गायक और अभिनेता पवन सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर पवन सिंह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अपनी गायकी और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले पवन सिंह की शादीशुदा लाइफ भी खबरों में रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पवन सिंह की असली पत्नी कौन है। पवन सिंह का नाम तो भोजपुरी की कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, लेकिन उनकी असल जिंदगी में कितनी शादियां हुई है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, पवन सिंह की असल जिंदगी में दो ही शादियां हुई है। उनकी पहली शादी नीलम सिंह के साथ हुई थी और दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ हुई थी। पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह के साथ 1 दिसंबर 2014 को बड़े धूमधाम से हुई थी। नीलम सिंह पवन सिंह के बड़े भाई की अपनी साली थी और नीलम सिंह पर पवन सिंह एक फिल्म भी बना चुके थे जिस फिल्म का नाम था भैया की साली ओढ़निया वाली। नीलम सिंह बीए पार्ट 1 की छात्र थी और वह परीक्षा देने के लिए पवन सिंह के साथ मुंबई से आई हुई थी। परीक्षा देने के बाद 3 मार्च 2015 को पवन सिंह के साथ मुंबई लौट गई थी। उसके बाद नीलम सिंह 8 मार्च 2015 को मुंबई के अंबोली स्थित फ्लैट में सुसाइड कर लेती है और नीलम सिंह का शव पंखे से लटका हुआ मिलता है, जिसे सबसे पहले नीलम की अपनी बहन पूनम देखती है और वह पवन सिंह को सूचना देती है। तब जाकर पवन सिंह उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने नीलम सिंह को मृत घोषित कर दिया था। तब जाकर नीलम सिंह के सुसाइड कर लेने के लगभग 3 सालों के बाद 6 मार्च 2018 को पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी परिवार के मर्जी से होती है। आपको बता दें, ज्योति सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया शहर के मेढी निवासी रामबाबू सिंह की बेटी हैं और इन दोनों की शादी चितवड़ा गांव के शंकर होटल में आयोजित की गई थी। शादी के लिए पवन सिंह इस शहर में कई दिनों तक रुके हुए थे। दरअसल मेढी निवासी रामबाबू सिंह और पवन सिंह के परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और इन दोनों के परिवार के मर्जी के कारण ही इन दोनों की शादियां हुई थी। लेकिन आज के समय में भी ये दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं और इनकी तलाक की अर्जी भोजपुर कोर्ट में चल रही है। वैसे तो पवन सिंह की असल जिंदगी में केवल दो ही शादियां हुई है, लेकिन इन शादी के अलावा भी पवन सिंह का नाम अन्य एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, जैसे कि मोनालिसा। नीलम के सुसाइड करने के पीछे मोनालिसा भी वजह बताई जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और वही पवन सिंह का अक्षरा सिंह के साथ भी नाम जुड़ा था, लेकिन उन्होंने अचानक ही ज्योति सिंह से शादी कर ली। तब जाकर अक्षरा सिंह को पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद वह पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर केस भी की और पवन सिंह को काफी दिनों तक कोर्ट का चक्कर लगाते रहना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में पवन सिंह की असल जिंदगी में कितनी शादियां हुई है या पवन सिंह की असल पत्नी कौन है, आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।